मैं आरती प्रजापति कोलकाता से हूँ। फर्स्ट ऑफ कोई मम्मी पापा अगर जानते होंगे इस रोग के बारे में तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा को लेके इस तरह का डिले करे, लेट हो, ताकि उसके लिए प्रॉब्लम आए इस तरह का। तो उस तरह सिचुएशन जो मेरे पास आया, मेरे को भी इस रोग के बारे में कोई पता नहीं थी। तो जब 1 साल का था वो थोड़ा टेढ़ा दिखता था, तो मेरे सब कोई जो रिश्तेदार थे सब बोलते थे कि बच्चा है कभी काल टेढ़ा दिखता है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते काफ़ी लेट हो गया मेरा। जब वो 2 साल का हो गया तो एक आँख से नहीं दिख रहा, उसको दिखता नहीं था, तो एक आँख सिर्फ यूज़ कर रहा था वो। तो हमको लगा कि क्या हुआ, ये इसे आँख से दिख नहीं रहा है, इसको चलो दिखाते हैं डॉक्टर के पास। जैसे इसको दिखाए, डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल दिया कि उसको आँख में ट्यूमर हुआ है, कैंसर हो गया है, आप जितना जल्दी हो सके इसको ले जाओ। तो मेरा काफ़ी लेट हो चुका था, पर मेरे लिए एक अच्छा बात है कि डॉक्टर मेरे को डायरेक्ट एलबी प्रसाद में स्वाति कालिकी के पास रेफर कर दिए। तो हम लोग लेट नहीं किए, दूसरे दिन ही यहाँ पर चले आए। उस दिन से इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, बट लेट होने के वजह से एक आँख दोनों आँख में हो गया है। मैडम तो बहुत बचाने का कोशिश की, बट नसीब हमारा है कि हमसे बहुत लेट हो गया, जिसकी वजह से आज एक आँख नहीं बचा, बट एक आँख है। अब भगवान से ही दुआ करते हैं, बस एक आँख रहे ताकि वो आगे बढ़ सके।